पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखनऊ दौरे पर पहुंचे। वहीं चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से वो सीधे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के लिए रवाना हुए, जहां ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल सहित तमाम नेता मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। करीब दो घंटे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताओं की आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे उनकी यूपी के सभी विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक है। यहां चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3:30 बजे प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और शाम 4 बजे मंत्रियों पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं, जहां आगामी चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और तमाम उन मुद्दों पर बातचीत करेंगे जो आने वाले चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी टटोलेगी। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए जेपी नड्डा 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर पहुंच गए हैं। यूपी के इस दौरे पर जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं से, मुख्यमंत्री से और तमाम अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के बाद उनको जीत का मंत्र देंगे। आने वाले चुनाव के लिए रणनीति किस तरीके से तैयार की जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। अभिषेक यादव लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे हुए हैं, 2 दिन का ये प्रदेश का उनका दौरा है और मुख्य रूप से आने वाले चुनाव के लिए जो पूरी तरीके से बीजेपी है वो अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो जेपी नड्डा का आज लखनऊ दौरा है ये चुनावी रणनीति के मायने में काफी अहम माना जा रहा है। जिस तरीके से अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ में मौजूद है। उन्होंने लखनऊ में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद अब वह यूपी के जो विधानसभा प्रभारी हैं उनके साथ संवाद करेंगे। इसके साथ ही जो मंत्रियों का परफॉर्मेंस है, पिछले 4 साल में उनका क्या कार्यकाल रहा, उसकी रिपोर्ट तलब करेंगे और कहीं ना कहीं जो चुनावी रणनीति है उस पर काफी चर्चा करेंगे। जी, आज अभिषेक जेपी नड्डा लखनऊ पहुंच चुके हैं और उनका कार्यक्रम जो है, तमाम चीजें वो शुरू हो चुकी हैं, अब आगे का क्या कार्यक्रम है आज के दिन का? जिस तरीके से उनका सुबह का जो कार्यक्रम था 11 बजे वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष थे उनके सम्मेलन को संबोधित किया, जहां पर उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव और तमाम जो मंत्रीगण वो मौजूद रहे। इसके बाद 1:15 पर वो विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे और जो चुनावी रणनीति है उस पर समीक्षा करेंगे। इसके बाद 4 बजे जो पार्टी कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर जो तमाम जो उत्तर प्रदेश के तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके साथ भी संवाद करेंगे और जो 2022 का अहम चुनाव है उस पर ये आज कहीं ना कहीं मंथन होगा। इसके साथ ही मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि पिछले 4 सालों में जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने को दिया गया था कि उत्तर प्रदेश उन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया, क्या बेहतर किया, इसका जो रिपोर्ट कार्ड था वो भी आज वो तलब करेंगे और जो 2022 का चुनाव है उस पर एक आज रणनीति बनेगी कि आखिर किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सपा, भारतीय समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने अभी साइकिल यात्रा निकाली, उसके बाद कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो और उस रणनीति को मजबूत करने पर तुली हुई ताकि जो उसकी चुनावी योजना है वो काफी अहम मजबूत रहे। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया अभिषेक आपका।